江哥。 नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर कोरोना के इस कहर में इस कहर से बचने के लिए लॉकडाउन लागू है लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है लेकिन इस तीसरे चरण के साथ साथ जैसे ही पचास दिनों से ज्यादा से देश बंद पड़ा है राजधानी पटना भी बंद है इस बीच लोगों की जो खाने की इच्छा थी वो लगभग दब चुकी है क्योंकि कुछ सामान बाजारों में मिल नहीं रहे खाने की सारी सामग्रियां जो है वो बंद पड़ी हुई हैं होटल बंद है रेस्टोरेंट बंद है जो लोग बाहर मस्ती करते थे तफरी करते थे उनके लिए ये दिन पूरी तरीके से शांत पड़ा हुआ लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको वो अनुमति मिलने वाली आप फिर से एक बार तफरी करेंगे नहीं लेकिन खाने की आपकी इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है क्योंकि पटना प्रशासन ने अब आदेश दिए हैं कि टेंट होंगे वो होम डिलीवरी कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों में अब ढील के तहत राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने रेस्तरा में से होम डिलीवरी की इजाज़त दे दी है और जिलाधिकारी कुमार रवि ने इसको लेकर के शहरी क्षेत्रों के जो रेस्तरा हैं उनको होम डिलीवरी करने की अनुमति दी है और ये प्रतिदिन खुलेंगे ये जो रेस्तरा होंगे ये प्रतिदिन खुलेंगे और आपको आपके ऑर्डर के जो सामान होंगे जो कि आप खाने के लिए सोचते हैं वो आपको उसकी अनुमति मिल जाएगी मिल चुकी है और इसके लिए आप ऑर्डर करेंगे तो बजाबते आपको जो भी संसाधन होंगे चाहे वो जोमेटो हो या किसी भी सहयोग से वो रिश्तरा वाले आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे इसके साथ साथ पटना में जिस तरीके से छूट दी जा रही है धीरे धीरे हालांकि पटना में जिस तरीके से देखा जाए तो कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है मामले सौ के पास हैं इस बीच अब राजधानी में भी छूट दी जा रही है और छूट देना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि सरकार का जो खजाना है वो भी खाली हो रहा है लोगों की जो जिंदगी है वो भी थम सी गई है इस बीच अब हालांकि लॉकडाउन के बीच में बहुत सारे लोगों को देखा गया था चाहे वो फिल्म अब हस्तियाँ हों या फिर आम लोग खाने के जो अपने सामान थे या फिर वो खरीदते थे और फिर अपने घरों में खाना जो उनको चाहिए होता था वो बनाते थे और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई लेकिन अब राजधानी पटना में भी आपको खाने को मिलने लगेगा क्योंकि जैसे ही अब आदेश हुआ है जिला प्रशासन का खुद कुमार रवि ने इस आदेश को जारी किया है इसके बाद अब आपको खाने की अनुमति मिल गई है जिस तरीके से पिछले पटना में कई दिनों से धीरे धीरे छूट मिली छूट के साथ साथ अब ट्रेन भी चली ऑटो भी चले उसके बाद जो गाड़ियों के जो दुकान थे शोरूम्स थे वो खुल गए हैं और अब पटना में रेस्तरा को खोलने की अनुमति मिल गई है और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में होटलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए खुद पर्यटन मंत्रालय ने भी सुझाव दिए हैं पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि होटल खोल दिया जाए ताकि जो लोगों को परेशानी हो रही है उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े हालांकि इसके लिए कुछ सुझाव जरूरी है उस सुझाव के तहत आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में इसका क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको कोरोना से खुद को बचाने के लिए आपको सूचित करता है इसके साथ साथ होटलों में जो भी मेहमान नवाजी के लिए जो लोग होंगे या जो मेहमान होंगे उन लोगों का रोज टेम्परेचर चेक होगा इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा साथ ही साथ अब किताबों की दुकानें जो होंगी यानी कि आप बहुत सारे पटना जो है वो पढ़ाई का एक सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ पे छात्रों की संख्या भी अधिक रही है है हालांकि कोरोना के कहर के बीच बहुत सारे छात्र अभी पटना से बाहर हैं लेकिन इस बीच अब पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे और जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वैसे लोग जो लोग घरों में बंद हैं और जिनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मुहैया हो पा रही है इसके लिए भी जिला प्रशासन ने अब एक कवायद शुरू किया है उसके लिए उनको तीन दिन यानी कि जो किताब होंगे किताबों की जो दुकानें होंगी उनको तीन दिन सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति मिल गई है और ये दुकानें अब खुलेंगी लेकिन जो कंटेनमेंट जोन होंगे उसमें किताब की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी लेकिन वहाँ होम डिलीवरी जो है खाने के जो सामान है वो आपको मिल जाएंगे और इसके लिए आपको जो रेस्तरा खुल रही है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे वहाँ पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी लेकिन बात किताब की दुकानों की करें तो किताबों के लिए आप बाकी कंटेनमेंट जोन के बाहर की जो दुकानें हैं वहाँ आप जा सकते हैं वहाँ की दुकानें खुलने वाली है और वहाँ आप किताब ले सकते हैं लेकिन फिलहाल पटना भी अब धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदल रहा है और अब एक बार फिर से वह पटना हमेशा चहकने वाली वो पटना चहकने वाली है क्योंकि प्रशासन अब कवायद शुरू कर चुका है बने रहिए न्यूज के साथ नमस्कार बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले